पीछे से हेलीकॉप्टर आ रहा है। तो उत्तराखंड की इस सीरीज के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। और हम अभी रुके हुए हैं गुप्तकाशी, और ये हमारा रूम है जो लास्ट नाइट हमने लिया था 1100 रुपए का, और अभी टाइम आ गया इसको बाय बाय बोलने का। तो अभी हम जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड और वहां से लेंगे सोनप्रयाग के लिए टैक्सी। और पूरे रास्ते कुछ ऐसे गाने सुनने के बाद हम पहुंच गए अभी सोनप्रयाग, और यहाँ पे सबसे पहला काम है हमारा हमारे लगेज को आधा करना। और अभी शुरू होगा हमारा ट्रैक, लेकिन ट्रैक शुरू होने से पहले हमें कुछ खाना है। और फिर खाना खाने के बाद में कुछ ज़रूरी चीज़ें थी वो ली हमने, जैसे कि रेनकोट, क्योंकि आगे बारिश भी मिल सकती है हमें। बैग का जितना सामान था उतना सामान निकाल दिया, फिर भी बैग काफ़ी भारी है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ सामने रिवर जा रही है मंदाकिनी, और एक्चुअली दो स्ट्रीम आ रही है, दोनों आके एक जगह पर मिल रही है, और दोनों मंदाकिनी रिवर की स्ट्रीम है। कुछ लोग भी है नीचे, शायद दिखेगा नहीं, अभी भी दिख जाएगा आपको, कुछ लोग भी खड़े हैं नीचे। फ्लो काफ़ी तेज़ है क्योंकि ऊपर शायद बारिश हुई है, या तो कैसे देखो वहाँ पे बादल हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। मैं अभी टैक्सी स्टैंड पे हूँ, टैक्सी स्टैंड यहाँ से 100 मीटर बताया था उन्होंने, 50 मीटर तो हम चल के आ गए, 50 मीटर और है, उसके बाद में जाएंगे गौरीकुंड और फिर वहाँ से होगा ट्रैक शुरू। अच्छा, बैग के आगे दिख ही नहीं रहा। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए वहाँ पे टैक्सी चलती है जो 50 रुपये लेती है, और आप वहाँ पे प्राइवेट व्हीकल लेके नहीं जा सकते, वो आपको सोनप्रयाग में पार्किंग में ही लगाना पड़ेगा। तीन है यहाँ पे, धूप है लेकिन ऊपर काले काले बादल हो रहे हैं। और केदारनाथ यहाँ से 16 किलोमीटर है। ठंडे लेने पड़ेंगे। पूरे रास्ते ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल मिलेंगे हमें, छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग भी मिलेगी शायद, लेकिन अभी शुरू ही हुआ है और बहुत मज़ा आ रहा है। कभी की हालत देखो अभी से।
ये हमारे लक्की जी पानी भरते हुए कैसा है? जैसा बॉटल खरीदते हैं ना वैसा ही है, कोई अलग नहीं। यहाँ पे मिलती है अभी एक बॉटल 50 रुपए की, अब ये सोच लो 50 रुपए की बॉटल है। अभी 2 किलोमीटर ऊपर आया हूँ, थोड़ी देर पहले बारिश होने लगी थी तो मैंने रेनकोट पहन लिया। रेनकोट काफ़ी छोटा आ गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहाँ से पहाड़ दिखने लग गए जहाँ पे स्नो गिरी हुई है। अभी तो 2 किलोमीटर हुआ है और 4 बज चुके हैं अभी यहीं पे। क्या हो गया इसको? ये पेट दर्द हो गया, जोर हो गया क्या? पेट फूल हो गया था ना, पेट दर्द से हो जाता है, ठंड में पेट दर्द हो जाता है ना। अभी करीब 12 से 13 किलोमीटर का ट्रैक और बचा हुआ है और पीछे एक घोड़ा मरा हुआ पड़ा था। तो काफ़ी जगह ऐसा होता है कि घोड़ा की डेथ हो जाती है किसी रीज़न वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन होता है यहाँ पे। और उसका क्या करते हैं पता नहीं, या तो यहाँ पे रिवर में डालते हैं या फिर वो नीचे लेके जाते हैं, ये तो पता नहीं है। लेकिन ये जगह कितनी अच्छी लग रही है, ये नदी वहाँ से आ रही है केदारनाथ के वहाँ से, तो वहाँ से बहुत कम आ रही है पानी, वहाँ से पानी बहुत कम है। तो जगह जगह से वाटरफॉल जा रहे हैं, वो पानी का फ्लो और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो पानी का फ्लो यहाँ पे बहुत कम है और आगे बहुत ज़्यादा है। तो जब हम यहाँ पे शूट कर रहे थे तो अक्षय हमको क्रॉस करके आगे निकल गया, और इस बात का पता उससे भी नहीं था कि हम यहाँ पे हैं, और हमें भी नहीं पता चला कि वो आगे निकल गया। तो इसके बाद में हम काफ़ी टाइम तक यहाँ पे अक्षय का वेट करें, लेकिन जब वो आया नहीं और अंधेरा होने लगा तो हम भी आगे निकल गए। तो आगे जाके यहाँ पे नेटवर्क आता है फ़ोन में, तो अक्षय हमको मिल जाएगा। तो रास्ते में यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क नहीं मिलता, जियो का मिलता है। तो अभी एक न्यूज़ मिली है, अक्षय मिल गया, उससे बात हुई फ़ोन पर, और काफ़ी देर से वो खो गया था, मैं बताया नहीं, लेकिन वो काफ़ी देर से खो गया था, इस वजह से मुझे कैमरा भी बंद करना पड़ा और उसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया, कॉल भी बात हो गई इससे। अभी अक्षय साथ ही है, ये रहा पीछे, खो गया था कहीं पे, आगे निकल गया था, ये आगे निकल गया था, हम सोच रहे थे पीछे रह गया, फिर काफ़ी देर रुकने के बाद में हम भी चल दिए, तब ये काफ़ी आगे आ चुका था। इधर आओ। तो अभी टाइम हो गया है, करीब करीब 10 बज चुके हैं, अभी हम चल ही रहे हैं और पहुँचते पहुँचते हमें बजेंगे 1 या 2। हम धीरे धीरे जा रहे हैं अब, क्योंकि अभी कोई रूम लेंगे तो रूम तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो वो 5, 6, 7, 8 हज़ार बोलेंगे, तो इतना महंगा रूम तो लेना नहीं है हमें। और वैसे भी 3 बजे उठ के लाइन पे तो लगना ही है दर्शन के लिए, तो अब हम जा नहीं रहे, आराम से जा रहे हैं, जल्दी नहीं करेंगे, और उसके बाद में सीधे दर्शन के लिए लाइन में लग जाएंगे जाते ही। और रूम लेंगे हम कल शाम को, कल फिर दिन में घूम लेंगे, कल शाम को रूम लेंगे या फिर जो भी टेंट वगैरह कुछ मिलता है तो वो लेंगे। सामने एक लाइट आई है तो मैं अभी बात करने लग गया, क्योंकि लाइट है नहीं, अंधेरा है कई जगह पे। जितने लोग ऊपर जा रहे हैं ना उससे ज़्यादा लोग नीचे भी आ रहे हैं। ये देखो कौन से महाराज बन गए दोनों थक के, और ये लाइट ऊपर ब्लिंक हो रही है,
क्लियर नहीं आ रही। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, मैगी बन रही है हमारे लिए। टाइम अभी मैंने पिछली बार बताया था कि 10 बज चुके हैं, बट टाइम अभी हुआ है 9:16 और हम बनवा रहे हैं यहाँ पे मैगी अंकल से। मैगी खा के जाएंगे ऊपर आराम से। हम बीड़ी भी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो निकालना चाय बना रहा, दो चाय भी बनानी है। हाँ जी, दो चाय दो मैगी। ये रेड रेड हाथ हुए ना, ये हुए हैं डंडे की वजह से, क्योंकि रेड कलर लगाया हुआ है इसके ऊपर। डंडा तो नॉर्मल ही है, ज़्यादातर लोग तो दिन में ट्रैक करते हैं, कुछ लोग रात में भी कर रहे हैं अभी तो। एक्चुअल में बताए तो अगर हम दिन में ट्रैक करते तो हमको इतना मज़ा नहीं आता, और अब रात में कर रहा हूँ ना तो इसका मज़ा बिल्कुल ही अलग है। और ऊपर जाके रूम लेने का भी हमारा कोई प्लान नहीं है, हम आराम से जाएंगे 12-1 बजे तक पहुँचेंगे, फिर 3 बजे लाइन में लगना है तो 2 घंटे वहीं पर बैठ के कहीं पर रेस्ट कर लेंगे, या फिर कुछ खाने का अगर मिल गया तो किसी जगह पर बैठ के और खा लेंगे कुछ। तो बस अभी का प्लान तो यही है, ऊपर जाके देखते हैं, अगर कहीं और प्लान चेंज हो जाता है तो वो वहाँ पे बताता हूँ मैं। ये मैगी आ चुकी है और फ़ोन गिर चुका है मेरे नीचे। तो अभी वहाँ पे मैगी और चाय पी के अभी निकले हम और आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े से आगे बढ़े लेकिन थकान होने लग गई, जो चढ़ाई है ज़्यादा स्टीप हो गई है। कई बार रील देखने को मिलती है एक, जिसमें वो सोनालिका का ट्रैक्टर होता है और वो केदारनाथ के ऊपर चढ़ता रहता है रास्ते में, और वो ट्रैक्टर मेरे पीछे खड़ा है वो कड़ा, और ट्रैक्टर का एक आगे वाला टायर का एक्सल टूट चुका है तो टायर तो नीचे आ गया, ट्रैक्टर अभी यहाँ पे खड़ा है। ये है सोनालिका के 4x4 ट्रैक्टर, छोटा सा ही है, इसका एक एक्सल टूट गया, इधर से एक टायर टूटा हुआ है और इसी की वजह से ये यहाँ पे खड़ा है। क्या से क्या हो गया, सर्दी का जुगाड़ कर लिया थोड़ा ये बांध के, और मुझे यहाँ से ही पहाड़ दिख गए हैं बर्फ़ के, शायद आपको भी दिख रहे होंगे। ये भी आ गए, इनको भी पकड़ लिया मैंने। मैं पीछे रुक गया था पानी की बोतल भरने, और पानी की बोतल में नीचे से हम 2 बोतल लेके आए, उन्हीं बोतल को रिफिल कर रहे हैं, जो यहाँ से पानी निकल रहा है ना, जगह जगह से पानी निकला हुआ है, वाटर स्ट्रीम निकली हुई है, तो वहाँ से रिफिल करे जा रहे हैं। इन्हीं 2 बोतलों को नई खरीद रहे हैं, और नई बोतल नहीं खरीद रहे। नई बोतल खरीदने का मतलब है पुरानी बोतलों को यहीं पे डालना, फिर वही है प्लास्टिक डाल के जाओ यहाँ पे। तो बस यही है, नई बोतल नहीं ले रहे, पुरानी बोतल से ही काम चला रहे रिफिल कर करके। तो यहाँ पे 12 बज चुके हैं मेरे को। तो अभी ये जगह है वो बड़ी लिंचौली है, और सामने मेडिकल इमरजेंसी के लिए अगर जाना हो तो सामने जा सकते हो। अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 4 किलोमीटर होगा मुश्किल से, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ 4 के करीब होगा, क्योंकि अभी पीछे था 6 किलोमीटर, तो हम 1.5 किलोमीटर तो आ गए हमें। अभी रात के 2 बज चुके हैं और एक और ट्रैक्टर मिला है हमें, वही सोनालिका का 4x4। ये सही सलामत है, इसमें कोई टूट फूट नहीं हुई है, सही से रखा हुआ है यहाँ पे। 2 बज चुके हैं, अभी डिस्टेंस है यहाँ की 3-3.5 किलोमीटर। हम सोचते हैं 3 किलोमीटर होगी, लेकिन आगे बोर्ड मिलता है उस पर 4 किलोमीटर लिखी होती है। फिर से पीछे से हेलीकॉप्टर आ रहा है, कल रात को आए थे हम लेट तक और कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई, तो मैंने बीच में कैमरा बंद कर दिया, उसके बाद में बैटरी निकालने के लिए भी इतनी एनर्जी नहीं बची, तो थोड़ा रेस्ट किया यहाँ पे। मंदिर में जाने का था कि 3 बजे लाइन में लग जाएंगे, बट 3 बजे कोई लाइन लगी नहीं थी, तो इसलिए हम रुक गए यहीं पर। तो ऐसी ट्रैवल वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।